गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ब्रेकफास्ट में है हमारा उपमा, और सौरभ को तो उपमा बिल्कुल पसंद है ही नहीं, लेकिन मम्मी ने बनाया जिस वजह से वो थोड़ा सा तो टेस्ट करेगा डेफिनेटली। तो मम्मी को बोल दिया है कि थोड़ा सा मिक्सचर देने के लिए, नाम ही नहीं बोलना, मिक्सचर डाल के वो उपमा फिर भी थोड़ा सा खा लेता है। क्या भाई साहब, साउथ इंडिया में रह के अगर ये सब कुछ नहीं खाओगे तो कैसे साउथ इंडियन बने तुम? एक्चुअली यही एक है जो मुझे पसंद नहीं है। तुमको कुछ भी पसंद नहीं है? ये खाना मुझे एकदम पसंद नहीं है। तुमको कोई साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं है डोसा को छोड़ के? खा के देखो मम्मी, ये बहुत बढ़िया बनाती है। अच्छा है ना? फिर नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा क्यों करते हो? बोलना पड़ेगा, अच्छा भी नहीं रहा तब भी बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है कुछ भी। सौरभ ना हमेशा मेरा बेइज्जती करवा देता है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती है उपमा वगैरह। तो चलिए अभी मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। कड़ी पत्ता, चने का दाल और भी प्याज वगैरह सब डाल के मम्मी ने बनाई है। मुझे तो मस्त लग रहा है और मैं पसंद भी करती हूँ खाना। लास्ट कुछ महीना हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। पता नहीं हमारे फैमिली के साथ क्या ही ट्रेजिडी हो रही है। एक एक करके सारे मेड हम लोगों को छोड़ के जा रही है। ट्रस्ट मी, इतने दिन से मेड वगैरह हमारे घर पे है। मेरे मायके में भी स्टार्टिंग से मेड है, ससुराल में भी स्टार्टिंग से मेड है, इवन शादी के बाद से मेरे घर पे खुद स्टार्टिंग से मेरा ऑल टाइम एक मेड रहती है। लेकिन कभी भी ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ रहा था। अभी लास्ट कुछ महीने से देख रही हूँ लगातार मेड छोड़ के जा रही है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। लास्ट जैसे एक ब्लॉग में मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि हमारा जो मेड है उनका तबीयत खराब चल रहा है, तो कुछ दिन से वो एबसेंट हो रही थी। तो फाइनली जाके 2-3 दिन ऑलरेडी हो गया है उन्होंने काम ही छोड़ दिया, क्योंकि इतना छुट्टी कर रही थी सबके घर पे। अब देखिए हम लोग जैसे एडजस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें एडजस्ट करना ही है। लगातार मेड एक एक करके छोड़ के जा रही है, तो फिर अगर मेड थोड़ा सा एब्सेंट करती है तो हम लोगों को वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। क्योंकि अभी मेरा प्रेगनेंसी जर्नी में मैं तो घर का काम वगैरह कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सौरभ और मम्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है ना कि घर का इतना बड़ा, हमारा घर ना फ्लैट काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा घर का पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बस इसी रीज़न की वजह से मैं सब कुछ उनका टॉलरेट कर रही थी कि ठीक है चलो छुट्टी अगर करती है, तबीयत ख़राब है या कुछ भी। कभी कभी तो मुझे बेफिजूल का भी उनका एक्सक्यूज़ लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ बोलती नहीं थी कि कुछ बोलूँगी फिर छोड़ के चली जाएगी। उससे अच्छा है कि जैसे भी कर रही है हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सब घर तो ऐसे नहीं होते हैं ना। तो लास्ट कुछ दिन से वो तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ कुछ घर में काम पे नहीं जा पा रही थी, और फाइनली उनको काम से निकाल दिया गया है। हमारे घर से नहीं बाकी के घर से उनको काम से निकाल दिया गया है। बोला है कि इतना छुट्टी लेने से नहीं चलेगा। मतलब उन लोगों का मानना है कि तुम्हारा तबीयत खराब होगा उसके बावजूद भी तुमको आना पड़ेगा। किसी का अगर तबीयत खराब है तो वो कैसे काम पे जा सकती है? लेकिन वही बाकी के लोग समझते नहीं है, उन लोगों को लगता है पैसा दे रहे हैं तो तबीयत खराब लेके भी काम करने आना पड़ेगा। तो वो नहीं जा पा रही थी काम करने के लिए, जिस वजह से उनको काम से तो निकाल ही दिया है, इनफैक्ट इस एरिया से भी भगा दिया है। अभी इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है कि नहीं वो सच में मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि सिर्फ काम पे नहीं जाने से कोई किसी को कैसे निकाल सकता है। शायद इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा जिस वजह से सारे घर, जितने सारे घर पे वो काम करती थी हमारी इस एरिया में, सारे घर मिलके उसको इस एरिया से ही निकाल दी है। कल भी मैं वेट कर रही थी, परसों भी मैं वेट कर रही थी उनके लिए कि शायद वो आएगी काम करेगी, आ ही नहीं रही थी काम पे। फिर जाके मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फिर मुझे ये सारे इंसिडेंट बताया कि मैडम मैं काम पे नहीं जा पा रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मुझे सारे घर मिलके काम से निकाल दिया है और वो इस एरिया छोड़ के चले गए हैं। वो लोग हमें एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया, स्पेशली मुझे तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि मेरा जेन्युइन रीज़न था। तो मैंने उनको बोला भी कि अगर आप एरिया छोड़ के जा रहे हो या तो फिर काम नहीं करोगे तो एटलीस्ट मुझे तो एक बार बताना चाहिए था ना। मेरा तो इसमें कोई दोष है नहीं, मैं आपके लिए लास्ट 2-3 दिन से वेट करके बैठी हुई हूँ कि आप आओगे काम करने। फिर जाके मुझे पता चला कि वो काम पे और नहीं आएगी, क्योंकि उसको इस एरिया से ही भगा दिया गया है और उसको वार्निंग दे दिया गया है कि वो इस एरिया में ना दिखे। पता नहीं इसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकता है। एनीवेज फिर हमारा चल रहा था दोबारा बाइक हो जो अभियान जिसको आप बोल सकते हो। तो सौरभ, मैं, हम सब लोग मिलके एक मेड दोबारा ढूंढ रहे थे, और घर का पूरा काम वाम सब कुछ हम खुद ही कर रहे थे। मैं हल्का फुल्का काम जो है वो कर रही थी, मम्मी और सौरभ हेवी काम कर रहे थे। मम्मी तो पूरा किचन का खाना वाना बनाने का काम
संभाल रही थी। सौरभ गया था मार्केट और देखिए मुरमुरा लेके आया है 1 किलो, ये आधा किलो का पैकेट है। घर पे मुरमुरा ख़त्म हो गया था तो मैं उसको लास्ट 2-3 दिन से बार बार बोल रही थी मुरमुरा नहीं है मुरमुरा नहीं है, तो यहाँ पे 1 किलो मुरमुरा लेके आ गया है और साथ में आलू प्याज ये सब कुछ भी ख़त्म हो गया था। फ्रूट्स तो एक मैं खाती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो सौरभ ने आज अनार छील दिया है। मुझे ना बहुत बोरिंग काम लगता है ये वाला, मम्मी के पास अगर टाइम होती है तो मम्मी कभी कभी कर देता है, अदरवाइज़ मैक्सिमम सौरभ ही करता है। तो अभी ये है मेरा आज का पहला फ्रूट दिन का, अभी पोमोग्रेनेट खाऊंगी फिर बाकी के और 1-2 फ्रूट धीरे धीरे बाद में खाऊंगी। फूल लेके आ गया तुम्हारा पूजा के लिए? मेरे पूजा के लिए नहीं, भगवान के पूजा के लिए। कुछ भी तो लेके आ गया भगवान के लिए, फूल आ गया है तुम्हारे लिए, फ्रूट्स आ गया है। हाँ, क्या क्या लेके आए हो फ्रूट्स में? फ्रूट बास्केट एकदम खाली हो गया था। केला आ गया है 6, यहाँ पे ना पीस के हिसाब से केला नहीं देता है, पता है साउथ इंडिया आके मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ पे केला गोभी सब कुछ केजी के हिसाब से देते हैं वो लोग। जगह केजी के हिसाब नहीं, वेस्ट बंगाल में केजी के हिसाब से नहीं है, वहाँ पे डजन के हिसाब से देते हैं, 1 डजन का 20 रुपया, 1 डजन का 25 रुपया ऐसे करके देते हैं। यहाँ पे देखती हूँ कि केजी के हिसाब से देते हैं। जो भी है अनार आ गया तुम्हारे लिए, ये छोटा वाला एप्पल है ना, ये काफी मीठा होगा, शिमला एप्पल बोलते हैं, ये काफी मीठा होगा उन्होंने बोला है। ये सही होगा, और साथ में सिंगापुरी कोला इसको बोलते हैं ना, सिंगापुरी बोलते हैं क्या? हाँ, सिंगापुरी कोला बोलते हैं। रख दो। और फाइनली जाके एक मेड मिल गई है जो कि आज सुबह से ही काम पे आ रही है, कल शाम के टाइम पे उनसे बात करके आई थी, सौरभ भी बात करके आया था, तो मुझे डाउट था कि वो आएगी कि नहीं आज, क्योंकि पहला दिन किसी का अगर काम का होता है थोड़ा सा टेंशन होता है कि वो आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन थैंकफुली वो आ गई थी। लेकिन उसका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, हम लोग जैसे थोड़ा लेट राइजर है ना, लेट से उठते हैं, लेकिन उनके पास सारे स्लॉट फुल है, सिर्फ सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक वो आ पाएगी। तो मैं तो उठती नहीं हूँ इतना सुबह, और सौरभ भी नाइट शिफ्ट करके सोता है, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना सुबह सुबह उठना। तो मम्मी ने बोला कि मम्मी उठ जाती है ना मॉर्निंग वॉक जाने के लिए, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है जब कोई मिल ही नहीं रही है इस टाइम पे काम के लिए, और जैसे कि वो इमरजेंसी है मेड अभी हमें चाहिए ही चाहिए, तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम उसको अपॉइंट कर दो, अगर वो 5:30 या 6 बजे सुबह के आती है तो कोई बात नहीं, मैं उठ जाती हूँ, मैं पूरा घर का काम करवा लूँगी और उसी टाइम पर ही उसको फिक्स कर दो। तो उसको अभी मैंने 6 बजे ही बोली है, आज सुबह सुबह 6 बजे आ गई थी, आज सुबह सुबह वो 6 बजे आ गई थी और मम्मी तो उठ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे भी उठना पड़ा था क्योंकि आज बाथरूम क्लीनिंग वगैरह सब कुछ उसको मैंने समझा दिया था। तो पहला दिन अगर किसी का काम का होता है तो पूरा घर का काम उसको समझाना होता है, क्योंकि मम्मी का हिंदी तो आप लोगों को पता है, मम्मी थोड़ा टूटा मोटा हिंदी बोलती है, और वो जो मेड है ना वो नेपाली है, उसको भी हिंदी थोड़ा टूटा मोटा तरीके से ही आता है, तो उसको समझाना और मम्मी को समझना दोनों के लिए मतलब कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं ही उठ जाती हूँ, और मैं उठ के फिर जो नई मेड जो अभी लगी है काम पे उसको मैंने पूरा घर का काम वाम सब कुछ समझा दिया, फिर वो उसको काम करने में 1.5 से 2 घंटा लग गया पता है, क्योंकि आज बाथरूम क्लीनिंग वगैरह सब कुछ था। उसके बाद वो चली गई, फिर मैं जाके 8 बजे के आसपास दोबारा मैं सोई, सो के उठी हूँ बस कुछ ही देर पहले, आज तबीयत इतना ख़राब लग रहा है क्योंकि नींद कंप्लीट अगर नहीं होता है ना, 2-3 बार में आप नींद लेते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा तो लगता ही है तबीयत ख़राब, जैसा मुझे फील हो रहा था। क्योंकि देखिए आजकल ना सच बोलूँ तो मेरा 3rd trimester ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो वॉशरूम का इतना ज़्यादा इशू होता है रात के टाइम पे, पूरा रात मैं अच्छे से लंबी नींद नहीं ले पाती हूँ, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, जिस वजह से नींद कंप्लीट नहीं होती है। सुबह भी अगर मैं थोड़ी देर तक ना सोऊँ तो फिर तो मेरा हालत ही ख़राब हो जाएगा। मुझे आज थोड़ा सा डल भी शायद लग रहा होगा मेरे फेस से, क्योंकि मैं सुबह से लेटी हुई थी, नींद से तो मैं उठ गई थी 6 बजे जब मेड आई, वो काम करके गई, फिर मैं 8 बजे दोबारा सोई, 10 बजे मैं उठ गई थी, उठ के नाश्ता वगैरह सब कुछ मम्मी ने बना के रखी थी, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैं दोबारा लेटी हुई थी और अभी जस्ट उठी हूँ, नहा धो के फ्रेश फ्रेश होके अभी किचन में आके देख रही हूँ कि मम्मी ने लंच वंच सब कुछ ऑलरेडी बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ठीक है चलिए कल से मैं उठूँगी नहीं इतना सुबह सुबह, मेड काम करेगी अपने तरीके से वो करेगी, मैं तो सोती रहूँगी, क्योंकि डेली अगर मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगी ना आदत नहीं है तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। मम्मी बोल रही है कि नहीं ठीक है आज तुमने काम समझा दिया उसको, कल से वो खुद कर लेगी और मैं सारी चीज़ों का टेक केयर कर लूँगी, क्योंकि सौरभ तो उठने वाला है नहीं इतने सुबह, तो सौरभ उठता नहीं है। एनीवेज चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं लंच, लंच वंच करके मैं दोबारा और एक बार सो जाऊंगी। एक्चुअली इतना डामाडोल चल रहा है ना हमारे इस मेड को लेके, और मम्मी यहाँ पे बना रही है लंच, तो आज लंच मेन्यू में क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो चावल है ही,
यहाँ पे है बैंगन फ्राई। सौरभ ना मार्केट से बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का बैंगन जो है ना, कालो बैंगन बोलते हैं हम लोग बंगाली में, बड़ा बड़ा साइज़ का, वो लेके आया था। तो इसको ना भाजा खाना यानी फ्राई खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा जैक फ्रूट डाल के दाल, सौरभ लेके आया था जैक फ्रूट, रॉ जैक फ्रूट। तो चने का दाल मम्मी ने बनाई है जैक फ्रूट डाल के, ये ना बहुत अच्छा लगता है खाना जैक फ्रूट डाल के दाल, लेकिन मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आता है, तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप बनाओ, आपके हाथ से खाना है। और अभी यहाँ पे जैक फ्रूट का ही और एक सब्जी बन रही है, आलू वड़ी, जैक फ्रूट, टमाटर, ये सब कुछ डाल के, की बोले इटर नाम कांठालेर झाल, जैक फ्रूट को हम लोग बंगाली में कांठल बोलते हैं, तो कांठालेर झाल यहाँ पे बन रहा है। ये एक्चुअली एचोड़ है, कांठल तो पका हुआ जैक फ्रूट जो है इसको बोलते हैं, और रॉ जैक फ्रूट को एचोड़ बोलते हैं। तो एक ही दिन में दो टाइप का जैक फ्रूट का सब्जी इसीलिए बन रहा है क्योंकि जैक फ्रूट ना यहाँ पे काट के नहीं देते दुकान से, होल जैक फ्रूट लेना पड़ता है। तो इतना सारा जैक फ्रूट अगर थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगा ना, वैसे भी जैक फ्रूट वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मम्मी ने बोला थोड़ा सा दाल में भी इसको बना देती हूँ और थोड़ा सा इसका झाल भी बना देती हूँ। ख़त्म हुआ जैक फ्रूट या और है? बस ख़त्म हो गया, दो दिन खा लिया ख़त्म, 1 किलो के आसपास जैक फ्रूट था। बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 4-5 महीने में शायद 4-5 मिनट छोड़ के गई है कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से। पैसा भी वो लोग जो बोल रहे हैं, मुंह मांगे पैसा भी हम लोग दे रहे हैं। और जब भी हर एक नया मेड आ रही है ना काम पे, हमेशा लास्ट मेड से 500-700 रुपये वो ज़्यादा मांग रही है। और मैं और सौरभ भी इस चीज़ को ऐसे लाइटली ले रहे हैं और एग्री भी कर रहे हैं उनको वो पैसा देने के लिए कि ठीक है चलो अभी तो हमारा ज़रूरत है, हमको तो पे उनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेंगे। तो अब कितना ही पैसा बढ़ाओ, हर एक मेट जब भी छोड़ के जा रही है, नेक्स्ट मेट को जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मेट बोल रही है अरे नहीं अगर आप उनको इतना देते थे तो मुझे 500 ज़्यादा देना पड़ेगा, क्या ही करूँ अभी मजबूरन में वो एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ रहा है। ठीक है चलिए। सौरभ तो बोल रहा था कि अभी शायद मुझे लग रहा है घर पे एक हवन वगैरह करवाना पड़ेगा ताकि मेट टिके हमारे घर पे, पता नहीं किसका नज़र लग गया है हमारे घर पे कि एक भी मेट टिक नहीं रहा है। सीरियसली यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़। एनीवेज चलिए, मम्मी का लंच वंच बनाना हो गया है ऑलमोस्ट, तो टाइम भी हो गया है काफ़ी, 1:15 हो रहा है, तो लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। ऊपर से कल घर पे कुछ गेस्ट भी आए थे पता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि मेड ऐसे मतलब छोड़ के चली जाएगी, तो हमने लास्ट वीक से ही, लास्ट वीकेंड में ही इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ गेस्ट को इनवाइट करके रखे थे हमारे घर पे, तो वो आए थे कल। कल तो मैं कुछ व्लॉग ही नहीं बनाई थी, इतना ज़्यादा घर पे काम का प्रेशर था। तो सारे अच्छे बर्तन जो है ना क्रॉकरी से हम लोग निकाले थे, जो सारे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास वगैरह अच्छे वाले बर्तन सब निकालना हुआ था, और भी काफ़ी सारा बर्तन था, सुबह से थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समेट लिया है, अभी बस इतना थोड़ा सा ही बर्तन है, इसको अभी क्रॉकरी यूनिट में रखना है सारे चीज़ों को वहाँ पर अरेंज करके। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने और मम्मी ने मिल के सब कुछ कर ही लिया है। बहुत ज़्यादा हमारा ना आजकल टाइम ख़राब चल रहा है, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। हो गया रेडी? हो गया। तो आप देख सकते हो मम्मी यहाँ पे थोड़ा रेडी हो गई है, अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताते हैं आप लोगों को। टाइम अभी हो रही है 8:10 बाकी, 7 मिनट बाकी एक्चुअली। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दोपहर को लंच के बाद जो खतरनाक सो गए थे हम सब लोग, एकदम खतरनाक ही बोल सकते हो आप। एनीवेज अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे, हमारे सोसाइटी का जो लेन है ना वहाँ पे हो रहा है अयप्पा पूजा, तो इनविटेशन आ गया था कल ही, वैसे हम लोग श्योर नहीं थे कि जाएंगे कि नहीं, लेकिन जोसना गई है, जोसना की एक फ्रेंड भी आई है, वो भी गई है नीचे पूजा देख रहे हैं, वो लोग तो सुबह से ही वहाँ पे है, सुबह भी पूजा हुआ था, सुबह 7 बजे, तो जोसना उस टाइम पे वहीं पे पूजा मंडप में ही थी, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी दिया गया था पूजा के बाद, मतलब प्रसाद के हिसाब से पोंगल, चटनी, केसरी भात, साथ में वड़ा वगैरह ये सब कुछ था। फिर अभी इवनिंग के टाइम पे भी पूजा हो रहा है वहाँ पे, और इवनिंग के टाइम पे भी स्नैक्स के हिसाब से वहाँ पे भाजी और बादाम मिल्क ये सब कुछ भी प्रोवाइड किया गया है, और अभी आफ्टर पूजा रात को प्रसाद के हिसाब से वो लोग डिनर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जोसना मुझे बोल रही है कि तुम सुबह के टाइम पे नहीं आए, एटलीस्ट रात के टाइम पे आ जाओ, तो मैंने उसको पहले ही बोल के रखा था कि सुबह का मेरा कुछ श्योरिटी है नहीं, क्योंकि सुबह 7 बजे से वहाँ पे पूजा स्टार्ट होगा, तो 6 बजे उठ के रेडी होके नहा धो के जाना मेरे लिए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेड भी उस टाइम पे आती है, मतलब आज का तो शेड्यूल आप लोगों को तो पता ही है। तो फिर मैंने बोला सुबह के टाइम पे मेरा पॉसिबल है नहीं, मैं शाम के टाइम पे ट्राई करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच रहे थे जाएंगे कि नहीं क्या करें। फिर फाइनली अयप्पा
भगवान जो है उन्होंने बुला ही लिया। सौरभ तो नहीं जा रहा है क्योंकि फाइनली उसका टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना ही पड़ा, तो आज वो करवा के आया है। तो आज वो है घर पे रेस्ट पे, छुट्टी भी लिया है आज उसने ऑफिस, क्योंकि वो ना उस दांत की वजह से बहुत तकलीफ में था। लास्ट कुछ दिन से मैं व्लॉग में शेयर भी कर रही थी, थोड़ा बहुत शेयर नहीं भी कर रही थी कि क्या ही बताऊँ, लेकिन फाइनली आज उसको एक्सट्रैक्शन करना ही पड़ा, जिस वजह से ऑफिस वगैरह भी उसने छुट्टी ली है और घर पे ही वो रेस्ट कर रहा है। तो मैं और मम्मी हम दोनों ही जा रहे हैं। चलो रेडी। खत्म होने के बाद अभी यहाँ पे चल रहा है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा सोसाइटी का जो लेन है ना, यहीं पे ही प्रसाद हर बार दिया जाता है। तो देखिए प्रसाद में इस बार है स्वीट पोंगल, साथ में है बिसी बेले भात विद सम मिक्सचर पापड़, साथ में है जीरा राइस और वेजिटेबल बिरयानी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो या पुलाव भी बोल सकते हो। तो इसके साथ तो अचार रायता वगैरह और भी सब कुछ था, तो वो सब कुछ मैंने लिया नहीं। तो आ गए हैं हम लोग घर, टाइम अभी हो रही है 10:15 और अभी खा लेंगे प्रसाद, यही हो जाएगा आज हमारा डिनर, मतलब मेरा और मम्मी का। सौरभ का तो आज एकदम लिक्विड डाइट है, उसको कल भी लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ेगा। तो सौरभ के लिए मम्मी ने अलग से खाना बना दिया है, पतला सा खिचड़ी काइंड ऑफ, बिना मिर्ची बिना मसाले वगैरह का, सिर्फ नमक हल्दी डाल के। और मैं और मम्मी अभी खा लेते हैं। एक्चुअली वहीं पर हम लोग खाने वाले थे लेकिन रात भी काफ़ी हो गया है ना, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी था, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था एक हाथ में थाली पकड़ के वहाँ पर खड़े होकर खाना, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा हाइजीन भी मेंटेन करना होता है ना, अच्छे से हैंड वॉश बिना किए हुए वहाँ पे ऐसे ही नहीं खा सकती। तो घर आ गए हैं प्रसाद लेके, अभी हैंड वॉश करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर खाएंगे प्रसाद। तो चलिए इस ब्लॉग को भी अभी यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।